अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। चांद रात मुबारक हो सबको। तो यहाँ पर मैं मीठा बना रही हूँ ईद के लिए। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। ये कस्टर्ड है, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, और ये स्ट्रॉबेरी जेली है। और यहाँ पर मेरे पास है ड्राई फ्रूट जिसमें है बादाम, और ये इलायची है दो, ये है वेलनट, और ये है ये कोकोनट। और ये मेरे पास रंगीन सेवैयाँ हैं एक कप जितनी है, ये मेरे पास एक कप चीनी है, और ये है मेरे पास मिल्क कस्टर्ड को घोलने के लिए। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने सेवैयाओं को बॉयल करना है, और यहाँ पे मिल्क बॉयल हो रहा है जिसमें हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो इलायची है जिसे मैंने तोड़ दिया है, ये मैं मिल्क में डाल दूँगी। और यहाँ पर पानी उबल चुका है, इसमें ये रंगीन सेवैयाँ डाल देंगे। तो अब हम मिल्क में कस्टर्ड ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 लीटर मिल्क लिया है, तो उसमें मैं आधा पैकेट कस्टर्ड का ऐड करूंगी। अभी मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करके मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मिल्क बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें रंगीन सेवैयाँ ऐड करूंगी। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद ये बहुत थिक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये चीनी। चीनी आपको इसी स्टेज पर डालनी है क्योंकि अगर आप मिल्क में चीनी डालेंगे तो वो नीचे चीनी चिपकने लगती है। तो अगर आप इस स्टेज पर डालेंगे तो ये नीचे नहीं चिपकेगा। तो आपको मुसलसल इसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना चिपके। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सो फैमिली, मेरा मीठा तो बन चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं जो ईद पर कल पहनूंगी तो वो मैं आप सबको दिखा दूं कपड़े और मैचिंग। तो ये मेरी ड्रेस है, ये गला इसका ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे टसल्स लगे हैं ये वाले, और ये इसकी सिंपल स्लीव्स हैं, और ये फ्रॉक बना हुआ है, यहाँ पे ये चुनट लगे हुए हैं। ये ट्राउजर है, ये ट्राउजर पे ये डिजाइन करवाई है मैंने, ये वाली डिजाइन। परफ्यूम में यही वाली लगाऊंगी इंशाल्लाह कल, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये सैंडल मैंने बाटा से लिए थे, सिंपल से सैंडल हैं ये। मुझे ज्यादा हील वगैरह ये ज्यादा वो नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। ये मुझे बहुत पसंद भी आया, ये बाटा से लिया मैंने। ब्लैक कलर में इसीलिए लिया क्योंकि और कोई कलर इनके पास था नहीं अवेलेबल। मुझे ब्लू कलर में चाहिए था लेकिन ब्लैक में मिल गया, तो मैंने सोचा कि सही है ब्लैक में ही ले लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ अपने बर्थडे वाले व्लॉग में, ये कंगन और ये रिंग्स जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी, ये भी मैं ईद पर इंशाल्लाह पहनूंगी। और
और ये जो मुझे खाला ने गिफ्ट किया था ब्रेसलेट, इंशाल्लाह ये भी पहनूंगी। और अभी मैं आपको अपनी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैं पहनूंगी इंशाल्लाह। ये तो आपने देखे ही होंगे, ये मैं कभी उतारती नहीं हूँ इयररिंग्स। ये वाली रिंग भी मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी। और ये चेन है मेरी, ये चेन है, और ये इयररिंग्स हैं गोल्ड के जो मैं इंशाल्लाह पहनूंगी इस पर, बहुत सुंदर से प्यारे से। बस ये थी मेरी कल की कुछ तैयारी थोड़ी सी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहनती हूँ और ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सी हूँ मैं। तो अभी के लिए इतना ही, और अब हम लगवाते हैं मेहंदी जो कि फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फैमिली, अभी मेरी मेहंदी लग रही है, रात के 3 बज रहे हैं और मेरी मेहंदी लग रही है, क्योंकि जब आपके घर में मेहंदी लगाने वाली मौजूद हो तो फिर टाइम इतना तो बन ही जाता है। ये इतनी लग चुकी है और ये लग रही है, और अभी पूरी मेहंदी जब लग जाएगी तो फिर फाइनल लुक मैं आपको इसका दिखाऊंगी। और इसीलिए मैं इसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है, रात के 3 बज रहे हैं और सुबह अभी सवेरे उठना है, खाना वाना बनाना होता है ईद का। तो फिर चलें इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेहंदी लग चुकी है मेरी, ये है इसका फाइनल लुक। तो अभी दूसरे हाथ पे मेहंदी मेरे लगेगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लग चुकी है। सो मेहंदी हो गई है कंप्लीट, रात के बज रहे हैं 4, तो अभी सुबह को भी सवेरे उठना है। तो चलें अभी के लिए गुड नाइट। मुबारक यूट्यूब फैमिली, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक मेरी तरफ से, और अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आप सबके रोज़ी रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और चलें अभी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, तो चलें नीचे सबसे जाके आऊँगी अपनी अम्मी के घर, तो फिर वहाँ पर भी आप फैमिली। अभी मैं आई हूँ अपनी नानी के घर, अपनी प्यारी नानी के घर। तो ये मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ क्योंकि चाय मैं पीती नहीं, तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ मैं, और कोल्ड ड्रिंक पी के फिर मैं आपको अपनी नानी से मिलवाती हूँ। फैमिली मिले मेरी प्यारी नानी से, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है ज़िंदगी में। अगर कोई मुझे बहुत प्यारा है तो ये मेरी नानी है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे हमेशा, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, लंबी हयाती दे, और मुझे ये बहुत प्यारी हैं। बस आप सब भी मेरी नानी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और ये मेरी नानी है, मैं आज इनके घर आई हूँ ईद पर, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नानी से भी आप सबको मिलवा दूँ। दो आज ईद है तो मुझे ईदी चाहिए अपनी, ईदी दो। ओ थैंक यू सो मच। तो ये मुझे मेरी ईदी मिल चुकी है, थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। और ये ईदी मुझे मेरे मामा ने दी है, थैंक यू मामा फॉर ईदी। नानी के घर आना तो मज़ा ही अपना है, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ ही रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। मैं अभी अपनी अम्मी के घर भी नहीं गई, मैं सीधा अपनी नानी के घर आई हूँ अपनी नानी से मिलने के लिए। तो चलें ये फटाफट से कोल्ड ड्रिंक पी के फिर मैं आपको अपने भाई से मिलवाती हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए, नानी से ईदी वगैरह ले लिए, तो अभी मैं आपको अपने ब्लॉगर भाई से मिलवाऊँगी। हेलो ब्रो, ईद मुबारक। चैनल के लिए कुछ कहना पसंद करेंगे? हाँ जी, आप सब जो है मेरी बहन को सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर करो। और मेरे भाई का भी चैनल है अब्बास अली जोने जो व्लॉग्स के नाम से, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब हिज चैनल एंड सपोर्ट हिम। थैंक यू सो मच। फैमिली, अम्मा के घर से होकर मैं आ गई हूँ अम्मी के घर, तो अभी यहाँ पे हम करेंगे डिनर। सो आफ्टर यमी डिनर, अभी आती है बारी मेरी ईदी की, तो अम्मी से लेते हैं ईदी। अम्मी ईदी, थैंक यू अम्मी, ये मुझे अम्मी ने ईदी दी।